सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में वैसे तो कई धर्म हैं, लेकिन पांच मेजर रिलीजन्स हैं जिनके बारे में आपको बता देती हूँ। ओल्ड गॉड्स, न्यू गॉड्स, मैनी फेस्ड गॉड्स, ड्राउंड गॉड और रलोर यानी मेलिसैंड्रे वाला धर्म। तो खैर, पहला जो धर्म है ओल्ड गॉड्स, उसे स्टार्क फैमिली फॉलो करती है। इनफैक्ट नॉर्दर्न हिस्सा जो है वेस्टरॉस का, वहां पर इस धर्म को ज्यादा फॉलो किया जाता है। ये धर्म चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ने क्रिएट किया था सदियों पहले, जब वेस्टरॉस की धरती पर इंसान नहीं होते थे, तब चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट थे, जो एक जादुई सुपरनैचुरल प्रजाति है। और ये क्या करते थे कि वेयरवुड्स ट्रीज के ऊपर चेहरा बनाते थे, और ये मानते थे कि वेयरवुड्स ट्रीज देख सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी वक्त में, स्पेस में कुछ भी घट रहा हो, वो वेयरवुड्स ट्रीज के जरिए ग्रीन सीयर्स देख सकते हैं और वो पता कर सकते हैं कि कब कहाँ क्या होगा। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट पत्थरों की, हवाओं की, आसमान की, धरती की, हर चीज की पूजा करते थे। उनके भगवान का कोई नाम नहीं होता था। इन्हीं के धर्म को नॉर्दर्नर्स ने अपनाया और उन्हें ओल्ड गॉड्स कहना शुरू किया। असल में वो खुद भी अपने धर्म को ओल्ड गॉड्स नहीं कहते थे, मगर जब वेस्टरॉस की धरती पर एसोस से दूसरे लोग आए, एंडल्स आए, जब ये एसोस से वेस्टरॉस आए तो अपना धर्म भी साथ में लेकर आए। अब क्योंकि इनका धर्म नया था तो इनके गॉड्स को न्यू गॉड्स कहा जाता है और ओल्ड गॉड्स को ओल्ड गॉड्स कहा जाता है। द फेथ ऑफ द सेवन, इस धर्म को एंडल्स मानते थे। एंडल्स वो लोग हैं जो वेस्टरॉस की धरती पर फर्स्ट मैन की तरह पैदा नहीं हुए थे, ये एसोस से वेस्टरॉस आए थे और यहाँ आने के बाद इन्होंने अपना धर्म फैलाया था। इस धर्म के हिसाब से एक भगवान के सात चेहरे हैं, द फादर, द मदर, द मेडन, द क्रोन, द वॉरियर, द स्मिथ और द स्ट्रेंजर। द फादर, भगवान का ये चेहरा इंसाफ को रिप्रेजेंट करता है। द मदर, ईश्वर का ये चेहरा दया, करुणा और शांति को रिप्रेजेंट करता है। द मेडन, ये चेहरा ईश्वर का प्योरिटी और इनोसेंस, लव और ब्यूटी, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। द क्रोन, ये चेहरा रिप्रेजेंट करता है ज्ञान और बुद्धिमानी को। द वॉरियर, ईश्वर का ये चेहरा ताकत और हिम्मत को रिप्रेजेंट करता है। द स्मिथ, ये चेहरा दर्शाता है क्रिएशन को, किसी चीज को बनाने को, किसी चीज को क्रिएट करने को। ईश्वर का सातवां चेहरा है द स्ट्रेंजर यानी अजनबी, ये रिप्रेजेंट करता है मौत को। इस धर्म को वेस्टरॉस के साउथ के हिस्से के लोग ज्यादा मानते हैं, जैसे लैनिस्टर्स हो गए या फिर टलीज हो गए, ये इस धर्म को ज्यादा फॉलो करते हैं। इन्हीं भगवानों में से एक भगवान जो स्ट्रेंजर है, उससे इंस्पायर होकर एक अलग धर्म है, द मैनी फेस्ड गॉड। ये स्ट्रेंजर को अपना भगवान मानते हैं। स्ट्रेंजर को असल में माना जाता है गॉड ऑफ डेथ, मौत। ये बेसिकली एक असैसिन्स का कल्ट है जो मौत को अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हर किसी को मर जाना है, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। तो जो असली सच्चाई है वो मौत है और मौत ही भगवान है। चौथा धर्म जो सबसे क्रूअल धर्म है, द लॉर्ड ऑफ द लाइट, जिसको रलोर भी कहा जाता है। रेड प्रीस्टेस और रेड प्रीस्ट इस धर्म को फॉलो करते हैं और साथ ही वो इस धर्म को फैलाने के लिए काफी क्रूअल्टी भी करते हैं। इनका जो भगवान है वो इन्हें विजन्स देता है, इन्हें ऑर्डर्स देता है और ये उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं आंखें बंद करके। इस धर्म के हिसाब से दुनिया में अंधकार फैला हुआ है और सिर्फ लॉर्ड ऑफ द लाइट ही उस अंधकार को खत्म कर सकते हैं। द लॉर्ड ऑफ द लाइट का जो धर्म है वो आग से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। आग और ब्लड बेसिकली दोनों ही चीजों से जुड़ा हुआ है। इनके कई सारे पूजा पाठों में, कर्मों कांडों में आग का इस्तेमाल होता है। ये धर्म इंसानियत विंसानियत में बिलीव नहीं करता, बस गुड और ईविल में बिलीव करता है। गुड यानी कि द लॉर्ड ऑफ लाइट और ईविल जो कोई भी लॉर्ड ऑफ द लाइट के अगेंस्ट हो। ये धर्म भी एसोस से ही वेस्टरॉस में आया है। पांचवा धर्म है द ड्राउंड गॉड्स। इसे आयरन आइलैंड्स के लोग फॉलो करते हैं और उसी एरिया के आसपास के लोग फॉलो करते हैं। इस धर्म के हिसाब से भगवान ईश्वर पानी के नीचे रहता है, आसमान में नहीं रहता।
इनके हिसाब से जन्नत भी पानी के नीचे है और इसी वजह से ये पानी में डूबने से डरते नहीं हैं। इनफैक्ट इनको बैप्टाइज करने का तरीका भी यही है, पानी में शख्स को डाला जाता है तब तक के लिए जब तक कि उसकी सांस ना रुकने लगे और फिर पानी से उसी शख्स को निकाल लिया जाता है और फिर उस शख्स को CPR दिया जाता है। हालांकि शो में ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया, सिर्फ पानी में डुबाना और पानी से निकालना दिखाया गया, मगर बुक्स में कई बार जब बैप्टाइज करने के लिए लोगों को पानी में ड्राउन गॉड के हवाले किया जाता है और फिर वापस पानी से निकाला जाता है तो उनको जिंदा करने के लिए वापस सांस वापस उनके अंदर फूंकने के लिए उन्हें CPR का जो प्रोसेस है उसे फॉलो किया जाता है। इनका स्लोगन है व्हाट इज डेड मे नेवर डाई। तो ये थे वेस्टरॉस के 5 टॉप रिलीजन्स। अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। बाय। सर मैडम रुक जाइए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और अगर आपको इस वीडियो को जान के थोड़ा सा भी कुछ भी ज्ञान प्राप्ति हुई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी इसे ज़रूर शेयर करिए, उन्हें बोलिए कि वो भी अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करते रहिए, इससे बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। बाय।